Assalamu alaikum. I am Misbah Rooj and my topic is cystic fibrosis, in which I am cover future therapies of cystic fibrosis. So, future therapies पे जाने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे cystic fibrosis हमारे पास होता क्या है. Cystic fibrosis एक genetic disorder है और ये हमारे पास cause करेगा एक persistent lung infection and limits करता है ये हमारे पास ability to breathe over time. People with CF, इसमें होता क्या है कि हमारे पास म्यूटेशन हो जाती है ये CFTR जीन जो क्रोमोजोम 7 पर होता है. सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, इस जीन पे हमारे पास क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है और ये हमारे पास क्या करता है, CFTR प्रोटीन को बिकम हमारे पास डिसफंक्शनल बना देता है ये. इसके सिम्टम्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, हमारे पास सॉल्टी टेस्टिंग स्किन हमारे पास आ जाती है, कफिंग होती है हमारे पास, फ्रीक्वेंट लंग इन्फेक्शन हमारे पास हो जाते हैं, वीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हमारे पास हो जाती है, पुअर ग्रोथ या फिर वेट गेन हो जाता है और इनफर्टिलिटी इश्यूज भी हमारे पास इसमें दिखते हैं. इसको हम लोग कैसे करते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग के लिए हम लोग इसमें करते हैं. जेनेटिक टेस्टिंग में हम लोग क्या देखते हैं, CFTR म्यूटेशंस को हम लोग देखते हैं. इसमें हम लोग प्रीनेटल स्क्रीनिंग करेंगे, देन हम लोग न्यूनेटल स्क्रीनिंग करेंगे. फिर हमारे पास लेबोरेटरी टेस्टिंग आ जाती है, जैसे हमने बताया कि इसके सिम्टम्स में हमारे पास क्या आ जाता है, सॉल्टी टेस्टिंग स्किन आ जाता है, इसलिए हम लोग इसमें स्वेट क्लोराइड टेस्ट हम लोग इसमें करते हैं. थर्ड में हम लोग पल्मोनरी टेस्टिंग हम लोग करते हैं, टेस्टिंग हम लोग करते हैं. पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इसमें हमारे पास हो जाते हैं, चेस्ट एक्सरे हमारे पास आ जाता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन हमारे पास आ जाता है एंड स्पीटम कल्चर हमारे पास आ जाता है. फिर हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टेस्टिंग हमारे पास आ जाता है. इसमें हम लोग, इसके अलावा हम लोग पर्सन की हाइट एंड वेट भी हम लोग उसको देखते हैं कि उसकी किस तरह से वो उसके में हम उसको ग्रोथ चार्ट हम लोग देखते हैं कि हर 3 मंथ्स में कि कैसे उसका हमारे पास ग्रोथ रेट उसका हमारे पास कैसा जा रहा है. फिर इसको हम लोग मैनेजमेंट और हम कैसे करते हैं, हम लोग इसको मैनेज कैसे करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रोल ऑफ मेल एब्जॉर्प्शन, जिसमें हमारे पास किया जाता है कि हमारे पास पेशेंट विद अनट्रीटेड CF हैव पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी एंड आर मेल नरिश्ड. इनको हमारे पास कैलोरिक नीड्स भी हमारे पास इनको चाहिए होती है, इनको हमारे पास विटामिन चाहिए होते हैं, मिनरल एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स की इनको हमारे पास नीड होती है, जिसको हम लोग इनको सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं इसको. फिर हम लोगों ने इन्फेक्शंस को हम लोगों ने ट्रीट करना होता है, तो इन्फेक्शन इनको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या हो जाता है कि स्प्यूटम जो होता है पेशेंट में वो डिफ़िकल्ट टू मोबिलाइज होता है, क्योंकि इसकी जो पल्मोनरी सिक्रीशंस हैं वो हमारे पास थिक हो जाती हैं. इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस भी हम लोग करते हैं और हम लोग एंटीबायोटिक के जरिए भी हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं. फिर हमारे पास आ जाएगा इन्फ्लेमेशन को हम लोग कैसे कंट्रोल करना है. जैसे इन्फ्लेमेशन होती है तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो CF में होते एयरवेज उसमें हमारे पास कैन बी ट्रीटेड विद ड्रग्स. हम इनको उन ड्रग्स के साथ ट्रीट कर सकते हैं जो हमारे पास PMN कीमोटैक्सिस को ब्लॉक कर दें, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को ब्लॉक कर दें या फिर कोई भी इन्फ्लेमेटरी कैस्केड में जो हमारे पास स्टेप है उसको ये हमारे पास ब्लॉक कर दें. इसमें जो हमारे पास ड्रग यूज़ होती हैं वो हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, NSAIDs या फिर मैक्रोलाइड्स नॉर्मली हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं. देन फिर हम लोग आ जाते हैं फ्यूचर थेरेपीज पर हमारे पास. तो इस व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स माइट बी अवेलेबल टू हेल्प पेशेंट्स विद CF इन द फ्यूचर. तो मैनी ड्रग्स हमने इसमें काफ़ी सारी ड्रग्स हमारे पास ऐसी हैं जो हमारे पास उसको ट्रीट करने के लिए वेरियस लेवल्स पर हमारे पास आई हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं वो हमारे पास इनएक्टिव और मैलफेक्शनिंग CFTR को वो हमारे पास फिक्स करते हैं या फिर हमारे, और इसमें काफ़ी सारी रिसर्च हुई है जो हमारे पास और भी हमारे पास रिसर्च कंटिन्यूस हैं जो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए इसके हमारे पास न्यू थेरेपीज देंगी. हमारे पास पहला हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जीन को करेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है कि जीन थेरेपी टू करेक्ट द CFTR इन द लंग्स इज बीइंग एक्टिवली परस्यूड. CFTR इज एक्सप्रेस्ड इन लो लेवल्स इन द लंग्स, ये बहुत कम उसमें होता है, जिसकी वजह से सो दैट हमारे पास सिर्फ ओनली 6-10% सेल्स की हमारे पास नीड होती है जो हमारे पास CFTR को ठीक कर देगी टू करेक्ट करने के लिए क्लोराइड चैनल डिफिशेंसी की, जिससे हमारे पास ये जीन ठीक हो सकती है.
इसमें हमारे को काफ़ी सारे वेक्टर्स हम लोग डिवेलप हैं जो डिलीवर करेंगे गुड जीन को एंड अलाउ इट टू इन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू दीज सेल्स, जिसमें हमारे पास वायरसेस भी आ जाते हैं, कॉम्पैक्टेड डीएनए एंड लिपिड डीएनए कॉम्प्लेक्स हमारे पास आ जाता है। अगर हम लोग वायरल वेक्टर्स की बात करें तो ये हमारे पास प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये हमारे पास अलाउ नहीं करते। नॉन वायरल वेक्टर्स, इसमें हमारे पास दो नॉन वायरल वेक्टर्स आते हैं जो सक्सेस जिनको हमारे पास मिली है, वो हमारे पास क्या है, डीएनए नैनो पार्टिकल्स एंड लिपिड डीएनए कॉम्प्लेक्सेस। अगर हम लोग इसकी ये नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें इसमें कि ये हमारे पास कैसे करता है, तो हमने इसमें बताना है कि ये नैनो टेक्नोलॉजी ये हमारे पास किस लिए यूज होती है, कम्पैक्ट और टाइटली बाइंड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को ये हमारे पास कम्पैक्ट करने के लिए, टाइटली बाइंड को करने के लिए हम डीएनए के उसको यूज होती है ये नैनो टेक्नोलॉजी। और ये हमारे पास क्या करती है, सफिशेंटली टाइनी पार्टिकल जो उसको पास करवा देती है थोड़ा सेल मेम्ब्रेन एंड इनटू द न्यूक्लियस के अंदर, ये उसको पास करवा देती है नैनो टेक्नोलॉजी। देन हमारे पास जो अगला हम लोग कर सकते हैं, रिस्टॉलिंग सॉल्ट ट्रांसपोर्ट। काफ़ी सारी थेरेपीज हमारे पास आई हैं जो रिस्टोरिंग करती हैं CFTR फंक्शन को फ्रॉम अ म्यूटेशन स्पेसिफिक स्टैंड पॉइंट। इसमें जो मोस्ट कॉमन म्यूटेशन है वो हमारे पास F508 है, और वो हमारे पास किसकी वजह से होती है, मिस फोल्डिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन। और ये जो मिस फोल्डिंग है इसको हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हमारे पास सेवरल केमिकल चेपरॉन्स सच एज सेलुलर ऑस्मोलाइट्स एंड लो मॉलिकुलर वेट कंपाउंड्स, जब ये हमारे पास सेल्स में ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास फोल्डिंग जो होती है अपने म्यूटेटेड प्रोटीन उसको रेस्क्यू कर देते हैं। जिसमें हमारे जेंटामाइसिन है वो हमारे पास रिस्टोर करता है क्लास वन म्यूटेशन इन विट्रो को, एंड जेनिस्टीन जो है इसमें शोन टू करेक्ट द GFF1D म्यूटेशन को, एंड अनदर ट्रीट जो एक और जरिए हम लोग इसको करते हैं रिस्टोरिंग नॉर्मल आयन ट्रांसपोर्ट, वो भी हमारे पास इफेक्टिव क्योर है किसके लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। और अगर हम लोग दूसरी चीज़ों की बात करें तो हम लोग वो ड्रग्स यूज कर सकते हैं जो हमारे पास कॉम्बैट करेंगी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन साइकिल ऑफ CF, एंड वो ड्रग्स दैट इज टू इम्प्रूव आउटकम फ्रॉम लंग ट्रांसप्लांट्स। इसके अलावा हमारे पास बाकी न्यू थेरेपीज एंड रैपिडली इम्प्रूविंग साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ CF provide much hope for more effective treatment of this disease, and even perhaps काफ़ी सारी हमारे पास थेरेपीज या साइंटिस्ट जो है वो समझने की कोशिश, उनको वो नई थेरेपीज हमारे पास प्रोवाइड करना की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल, जज़ाकअल्लाह।